गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और आज हम लोग अपने इस वीडियो में रीजनिंग से रिलेटेड, एडवांस रीजनिंग से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से टाइम रहते हुए उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। देखिए, अगर आप लोग रीजनिंग घर पे बैठ के बना रहे हैं या कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एडवांस तक जाइए, क्योंकि अगर आप बेसिक कोई केवल टारगेट किए हुए हैं एग्जाम में कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर आपका एडवांस रीजनिंग आ जाएगा तो आप लोग उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। इसी के लिए कोशिश ये कीजिए कि बेसिक से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा करके एडवांस लेवल तक जाइए, ताकि किसी भी लेवल का, चाहे ऊपर लेवल का है चाहे नीचे लेवल का है, आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का इजिली अटेम्प्ट कर पाए। आइए शुरुआत करते हैं। सेवन मेंबर्स ए बी सी डी, ए से लेकर के जी तक है, जो सेवन मेंबर्स हैं वो सभी खड़े हैं जिन एक रो में खड़े हैं और सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ वो फेस किया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस जो इन सभी का जो डिस्टेंस है आपस में वो मल्टीपल ऑफ फाइव के बीच, मल्टीपल ऑफ फाइव है, मतलब ए और बी या ए या सी या किसी एक का भी डिस्टेंस हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, किस तरह से होगा, सभी पांच के मल्टीपल में है, उससे कम कोई नहीं है। अभी यहां से शुरुआत होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी वॉज ट्वाइस टू एफ डी, मतलब ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो दुगना है एफ डी से, मतलब हम लोग लगभग मान सकते हैं कि ए और सी एक साथ में है और एफ और डी एक साथ में है और ए सी दुगना है एफ डी से। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए वॉज 120 मीटर्स एंड नॉट मोर देन थ्री पीपल स्टैंडिंग बिटवीन दम, जो ए और बी का डिस्टेंस है वो 120 मीटर का है और ये भी बता रहा है कि ए और बी के जो बीच में जो लोग खड़े हैं वो तीन से ज्यादा नहीं है, वो तीन होंगे या दो होंगे या एक होंगे, कोई भी होंगे, ठीक है। डी वॉज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, अभी डी कहा है बी का आपको आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए सात खाना बनाते हैं जहां जहां उसको खड़ा करेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात जगह पे हम लोग सात चीज को खड़ा करेंगे। देखिए, अभी नॉर्मली क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि कोई एक्सट्रीम राइट में खड़े हैं, एक्सट्रीम में खड़े हैं या नहीं है। नॉर्मली अगर कोई एक्सट्रीम एंड्स में खड़े रहते हैं तो क्वेश्चन बता देता है कि ए या बी वो एक्सट्रीम एंड में है या नहीं है, यहां पे कहीं नहीं दिया, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ए सी एक एक्सट्रीम एंड में है और एफ डी एक एक्सट्रीम एंड में है, ठीक है। तो ए को यहां लेते हैं, सी को यहां लेते हैं और एफ को यहां लेते हैं और डी को यहां लेते हैं, सब एजम्पशन चल रहा है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि एसी जो है वो डबल एफ डी से, ये एसी का जो डिस्टेंस है वो एफ डी से डबल है, कितना है देखो अपने को आइडिया नहीं है। नेक्स्ट बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए वॉज 120 मीटर्स, बी और ए, अभी बी कहां पर आ सकता है आइडिया नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग एक मान के चलते हैं कि चलिए बी को हम लोग यहां पर लेते हैं, ठीक है। बी को अगर यहां पर ले रहे हैं उसके साथ में क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी एंड जी वॉज 65 एंड सी वॉज 95 मीटर्स राइट टू ई, ये अभी कुछ अपने को यहां पर बता रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले में आते हैं, ये बता रहा है डी वॉज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी वॉज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, मतलब यहां से हमारा फुलफिल हो रहा है कि बी का इमीडिएट लेफ्ट में डी है, मतलब बी को जो हम लोग यहां बैठाए सही बैठाए, अगर बी को यहां बैठाते तो वो गलत हो जाता, बी को यहां बैठाए वो सही बैठाए, क्योंकि हमारा ये पॉइंट जो है ये फुलफिल कर रहा है इसके साथ में, डी वॉज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यहां पर बी आ गया। अभी ये बता रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 120 है, मतलब एक दो तीन, तीन खाना में मिला के 120 है, तो हम लोग मान के चलते हैं ये 40 है, ये 40 है और ये भी 40 है, ये माना जा रहा है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला में क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी वॉज 65 मीटर्स, डी और जी, तो अभी मान लेते हैं कि जी यहां पर हो सकता है, अभी एक हमारा कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई बच गया, तो ई को हम यहां बैठा देते हैं, अभी ये एक लगभग में लमसम में हमने बैठाया है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि डी और जी का बीच का डिस्टेंस 65 है, तो ये 65 यहां से यहां तक, इसका मतलब कि इसको 25 होना है, ठीक है, इसको 25 होना है। अभी हम लोग यहां पर आते हैं, ये बता रहा है 95, सी वॉज 95 मीटर्स राइट ऑफ ई, सी वॉज 95 मीटर्स राइट ऑफ ई, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 95 मीटर्स होगा, अगर ये 40 है तो ये 55 होगा, ठीक है, अगर ये 40 है तो ये 55 होगा। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बता रहा है कि एसी वॉज ट्वाइस, एसी दुगना है एफ डी का, दुगना होने का मतलब कि इसको जीरो में आना है, क्योंकि अगर वो पांच के मल्टीपल में चल रहा है तो फाइव तो यहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहां फाइव होगा तो इसका हाफ होना है एफडी, इसका जैसे ही हम लोग हाफ करेंगे वो फिर पांच के मल्टीपल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये 55 तो नहीं हो सकता है।
अगर ये 55 नहीं है तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये 50 है, माना जा रहा है। अगर ये 50 हो रहा है और इस दोनों के बीच का डिफरेंस 95 है तो ये 45 होगा, करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहां से 5 घटाए तो यहां 5 बढ़ेगा। अभी जैसे ही हम लोग यहां 5 बढ़ाए हैं, ये तीनों के बीच का डिस्टेंस अपने को पता है 120 है, तो ये 45 जहां यहां 5 बढ़ गया, मतलब इस दोनों में से किसी एक से अपने को 5 को घटाना पड़ेगा। तो इससे या इससे किसी एक से घटाते हैं, मान लेते हैं हम लोग इसी से घटाते हैं, 40 को हटा करके हम लोग यहां 35 बना देते हैं। अभी जैसे इसको 35 बना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 65 है, तो 35 ये हो गया, तो ये भी मेरा 25 नहीं होगा, ये मेरा 30 हो जाएगा। सभी कुछ लमसम में चल रहा है, तो ये जब 50 है तो ये 25 होगा। तो ये अभी लमसम में हमने उसका जहां जहां पर उन लोग बैठे हुए हैं, जिस रो में बैठे हुए हैं, जहां पर खड़े हो वो बनाया, प्लस उनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो भी हमने बनाया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जी मूव्ड 50 मीटर साउथ, सभी अपने अपने जगह में खड़े हैं। जी है, जी मूव्ड 50 मीटर साउथ, जी 50 मीटर साउथ की तरफ मूव करते हैं, ये 50 मीटर्स हो गया, ठीक है। टुक लेफ्ट, लेफ्ट लेते हैं, मूव 75 मीटर्स, लेफ्ट लेकर के 75 मीटर्स आगे बढ़ते हैं, ये 75 मीटर्स आगे बढ़े हैं लेफ्ट की तरफ। फिर टुक लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, मूव 20 मीटर्स, फिर वो लेफ्ट लिए और 20 मीटर्स आगे बढ़े हैं, ये 20 है। इस पॉइंट का नाम है जेड, ये भी जहां पर है इसका नाम है जेड, मतलब जी यहां से आए, यहां गए, फिर यहां के खड़े हो गए, जेड पे खड़े हो गए। अभी बता रहा है एफ मूव 40 मीटर साउथ, एफ ये हो गया, एफ साउथ की तरफ 40 मीटर तक चल के आते हैं, ठीक है। एफ मूव 40 मीटर साउथ, टुक लेफ्ट, एफ ने भी यहां से लेफ्ट लिया, मूव 50 मीटर्स, लेफ्ट लेकर के 50 मीटर्स तक आते हैं, यहां तक मूव 50 मीटर्स, टुक लेफ्ट, फिर यहां से इन्होंने लेफ्ट लिया और मूव 10 किलोमीटर, फिर यहां से इन्होंने लेफ्ट लिया और ये 10 आगे बढ़े, ये 50, ठीक है। अभी ये यहां पर हमारा यहां तक हमारा है 10 मीटर तक, और स्टॉप एट एक्स, इस पॉइंट का नाम है एक्स, इसका नाम था जेड। अभी यहां बता रहा है एस कोई एक बंदा है, एस स्टैंडिंग 55 मीटर वेस्ट ऑफ जेड, एस जो है वो 55 मीटर जेड के वेस्ट में खड़ा है, जेड का वेस्ट ये हो गया, यहां से लेके यहां तक 75 है, तो 55 आने के लिए हमको यहां से यहां तक आना पड़ेगा, ये 55 हो गया। अभी जेड, अभी एस यहां पे खड़ा है, एस यहां पे खड़ा है, अभी ही मूव्ड 45 मीटर वेस्ट, ये फिर यहां से 45 मीटर वेस्ट की तरफ गया, ये फिर यहां से 45 मीटर वेस्ट की तरफ गया, मतलब यहां पर आया, ये 45 मीटर हो गया, 45 मीटर वेस्ट की तरफ, फाइनली एस यहां पर अभी आया हुआ है, एस स्टॉप एट वाई, और इस पॉइंट का नाम है वाई। एस यहां से चल के, मतलब एस अगर देखा जाए तो टोटल 45 प्लस 55 100 किलोमीटर जेड से यहां तक चले हैं ये, ठीक है। अब ये हमने लगभग में एक रेडी किया है हमारा ढांचा स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पर अब कुछ क्वेश्चन है वो हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स यहां पर है, वाई यहां पर है। अभी देखिए टोटल को समझने के लिए पहले यहां से हम लोग देखते हैं जी यहां पर है, तो जी के इस तरफ में टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, जी के लेफ्ट हैंड साइड में ये 35 है, ये 25 है, तो 60 हो गया, 60 प्लस 30, 60 और प्लस 30 हो गया 90, ठीक है। 90 प्लस अभी जी से हम लोग देखें 75 मीटर्स के आगे तरफ बढ़ा गया था, तो 90 में हम लोग 75 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 165, ठीक है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है 165 है। अभी 165 में से हम लोग देख रहे हैं कि एस ऑलरेडी 100 मीटर्स कवर कर चुके हैं, तो बच गया 65, ये 65 मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और हम लोग देख चुके हैं कि ये जो एफ है ये ऑलरेडी अपने डिस्टेंस से 50 मीटर के डिस्टेंस पर राइट हैंड साइड में आगे आए हैं, अब यहां एक्स पे आगे खड़े हैं, मतलब 50 ऑलरेडी और ट्रेवल किया जा चुका है, तो बच गया कितना 15, तो एक्स और वाई के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, स्टैंड हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी यहां पर है, डी के राइट साइड मतलब ये सब हो गया, थर्ड टू द राइट 1 2 3 ई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई,
30 प्लस 40, 70 प्लस 35, 105, 105 हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स में कौन खड़ा है, एफ और सी, सी और एफ, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसको आप थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, एडवांस लेवल का था। घर में प्लीज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का तो कोई और भी आपके पास क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं रीजनिंग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।